गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह के 3 बजने वाले और अभी मैंने अपना एक ब्लॉग तो रेंडर किया और दूसरा ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो चलो, मेरा ब्लॉग जब तक रेंडर होता है तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि घर में सब रेडी हो गए हम लोग, और हमारा सारा सामान भी रेडी हो गया। हम लोग 6 आदमी है, लेकिन 6 आदमी में कितने सारे सामान पैक हुए, 3 बैग पैक हुए और एक तो ये छोटू सा बैग बाबू का। और पता है सबसे स्पेशल बात क्या है? सबसे स्पेशल बात ये है, आज मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रेन पर बैठूंगी। इसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है, इसलिए मैं लोअर टी शर्ट में ही जा रही हूँ, ताकि मैं कंफर्ट होकर वहां पर बैठ सकूं। लेकिन मेट्रो में इन्होंने जरूर बैठा है, ट्रेन पे तो नहीं बैठी, प्लेन पे भी बैठगी, मेट्रो में बैठी, लेकिन अभी तक ट्रेन पे नहीं बैठी। यार, कभी नौबत ही नहीं आया ना हमें ट्रेन में बैठने का, बट मैं पता इतना ज्यादा जिद क्यों ना पंकज को ट्रेन में ले जाने के लिए, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से आज। तो अभी पंकज और योगेश गए स्टेशन हमारे लिए ऑटो लेने के लिए, ताकि हमारा ये इतना सारा सामान जा सके। बाबू को लेके बैठ रहा, मैं योगेश पीछे बैठ रहे हैं। तो गाइस, पहुंच गए हम लोग अपने स्टेशन पे। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन का, और हमारा ट्रेन पता है 4:25 की, अभी हमें आधा एक घंटा वेट करना पड़ेगा। देखो कैसे घूंघट बना उठ करके। ऐसे नहीं करते, दुल्हन बन रही है वो अच्छे से। गंदी बात। सो गाइस, हमारी ट्रेन ना बस आने वाली है, इसलिए हम लोग समय यहाँ पर आके ना लाइन में लगे। पता है यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, इतना रश तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा स्टेशन पे। स्टेशन पे क्या कभी आई नहीं? ये देखो हमारा ट्रेन आ गया। हाय रब्बा, हमारी ट्रेन, वो हमारी डब्बा ना, वो है सीट। हम लोग भागे जा रहे, ट्रेन रुकी नहीं रहा। चलो 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 चलो, आ गए हम लोग अंदर, फर्स्ट टाइम बैठेंगे ट्रेन में। साइड में ट्रेन चली नहीं है, बिठाना तेरे को। हाँ, जनरल में बिठाना था तेरे को। क्यों? मजा आता ना तेरे को, जनरल ज्यादा मजा आता है, तो वही टिकट करवाना। मिलते ही लटक के जाते वो। अच्छा, ढोल यार। हाँ, दिख रहा है मेरे को कितना ज्यादा भीड़ था भाई। सो गाइस, अभी हम लोग ना नई दिल्ली के स्टेशन पे पहुंच गए। हम लोग जा रहे हैं होटल। अभी पता है हमारे एक ऑटो में ना पूरी फैमिली आई नहीं, हमने दो ऑटो के लिए 3 इधर बैठे और 3 हमारे पीछे वाले ऑटो में आ रहे हैं। तो गाइस, आ गए हम लोग अपना होटल। ये रहा मेरा होटल, और यहाँ पर मेरा छोटा बेबी छोला है। और पता है आज का व्लॉग तो मेरा अभी तक अपलोड नहीं हुआ। एक्चुअली मैं ट्रेन में ना अपलोड कर रही थी, बट वहाँ का इंटरनेट इतना ज्यादा स्लो था ना कि मेरा हो ही नहीं रहा था। और यहाँ पर अभी मैं कोशिश करी कि मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए, तो अभी मेरा व्लॉग देखो 19% ही अपलोड हुआ। पता नहीं कितने देर में मेरा ये आज का व्लॉग अपलोड होगा। सो गाइस, अभी मैं और पंकज दोनों जा रहे हैं नीचे अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है आज। आ गया हमारा लिफ्ट। वैसे हमने सोचा था यहाँ पर वाईफाई का तो सुविधा होगा, बट है सुविधा यहाँ पर वाईफाई का, और चलता नहीं, बहुत मरा मरा सा चलता है। फाइनली मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका है। आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गया मुझे अपलोड करने में, देखो टाइम क्या, 11:31 हो गया। तो गाइस चलो, अब मैं चाहती हूँ अपना फ्रेश होने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा थक गया। और पता है मैं तो घर से नहा धो करके भी नहीं आई, नहा कर तो आ गई मैं, अब बस बचा है मेरे फेस का मेकअप। पहले मैं फटाफट से खाना खा रही थी, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। हमने आज खाने में मंगाया है मटर गोभी दाल। पूरी फैमिली भी रेडी हो चुकी है, और नीचे ना कैब वाला भी आ चुका है, बट आज ना मैं आवारा से गुस्सा हूँ, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि वो मेरे को। तो हम लोग दोनों रेडी हो चुके हैं, दूर रह ले तू, ठीक है? मेरे ब्लॉग में आने की जरूरत नहीं, आना तू मेरे को अपने ब्लॉग में, दूर रह ले इधर से, दिख रहा है ना मैं इधर शूट कर रही हूँ, मत इधर बोला ना, मत आ, लोग हो रहा है भाई। हाँ तो मेरे कैमरे में मत आना, तू मेरा कैमरा, अपना कैमरा मेरे पास ले जा रहा है। बकवास मत कर, निकल जा इधर से, से हाय टू माय व्लॉग यार, निकल जा इधर से, अभी मैं करूँ हाय तेरे व्लॉग में, तेरा मुख के माउथ तेरे मुंह पे। तो गाइस, आवारा से ना मेरी बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है। पता है क्यों? उसने ना मेरे को बोला कि वो मेरे को बाइक दिलाएगा, लेकिन वो मेरे को इसलिए लेकर आया ताकि वो मेरे को TVS का स्कूटी दिला सके। आज के बाद मैं अपने पति से कभी बात नहीं करूंगी, हो गया हमारा ब्रेकअप, तू तेल लेने जा। पति का ब्रेकअप नहीं होता, डिवोर्स होता है, पता ही नहीं इसको कुछ। क्या बोला? डिवोर्स, पति का तो डिवोर्स होता है ना, ब्रेकअप कब से होता है? अच्छा, तेरे को ज्यादा पता है ना? नहीं, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है यार। लोग सुन रहे हैं, तू आ रहा मेरे ब्लॉग में, मत आ मेरे ब्लॉग में, जा रहा है, जा रहा है, बाहर मैं जा, निकल जा इधर से। चलो यार, सब पसर के सोए भाई, ये तो भाई नींद ही अलग ही नींद ले रही है, तो इसे तो नींद आ रहा है। और मेरा लल्लू तो सो, इसका तो नींद ही पूरा नहीं हो रहा, सुबह 6 बजे सोएगा तो यही होगा। मैं बेड ये वाला बेड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, ऐसे उछल रहा है। चलो चलो, कैब आ गया क्या नीचे? कैब आ गई, आ गई, चलो 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 चलो।
चलो हमारे कैब तो आ चुके, बस अच्छी हो गए और आज उसके बाद निकलते हैं। एक्चुअली हमारे लिफ्ट में ना तीन लोगों से ज्यादा जा नहीं सकते, इसलिए हम दोनों को दो बारी कर करके आना होता है। पहुंच गए हम लोग अपने बाइक शोरूम। देख ले एक बार ही अच्छे से, हाँ जो पसंद आए, हाँ जो पसंद आए रख लियो। सच में तेरे लिए बोल रहा है? हाँ यार सच में तेरे लिए बोल रहा है। मेरे को ऐसा लगा तू ये बोलेगा और फिर उधर से वो खटारा दिलवाएगा। अरे यार अभी भी इसको मजाक लग रहा है, विश्वास तू बस तू ये बता दे जिस पे बोली रखेगी वो दिला दूंगा तीनों। मेरे को लग रहा था ये ऐसा ही बोलेगी। ये वाली बाइक फाइनल में मेरे को सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। पता है स्टार्टिंग में मेरे को लाया था, मेरे को लगा सच में मेरे को स्कूटी दिलाकर आएगा। मैं तो घर में बहुत ज्यादा लड़ाई करके आई थी, बट यहाँ पर आने के बाद पता लगा मेरे लिए ये बाइक है। मेरे को सच में बहुत ज्यादा पसंद है और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे आज मेरे को ना सच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फीलिंग हो रही क्योंकि आज मेरा बाइक आने वाला। यार KTM चला चला के ना बोर हो गई क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गया ना उसका बाइक है, बट आज मेरा न्यू बाइक आने वाला। तो अभी हमारी बाइक ना फाइनल हो गई है। तो चलो तब तक मैं आप लोगों को ना अपने बाइक का ना ओवरऑल पूरा लुक दिखा देती हूँ। जीजू तो अपना सारा जुगाड़ सेटअप वेटअप लेकर के आए सिनेमैटिक शॉर्ट्स निकालने के लिए। कैसा निकला? अच्छा नहीं निकला, अच्छा निकला है, अच्छे से निकालो, करो करो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, इधर आके करो क्या? हाँ ऊपर से थोड़ी होगा, इधर से कर दे, पकड़ के रख, चलो कर दिया। ओपी ब्रो वाओ मस्त आया है ना, मस्त आया, हाँ मस्त आया, तेरा नहीं आया बस ये फ्लैश का आया है। चलो अब हम लोग चलते हैं घर। एक्चुअली मम्मी पापा और योगेश तीनों ही घर चले गए पहले ही हम लोग को छोड़ कर गए क्योंकि पापा ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, तो इसलिए वो लोग चले गए। तभी बचे हम तीनों अर्ची और पंकज, तो हम लोग निकलेंगे घर के लिए। पंकज अभी ना TDS के मैनेजर से बात कर रहे हैं, बस पंकज आ जाए उसके बाद फटाफट से निकलते हैं। अभी पता है सबने क्या किया, हमने अभी दूसरे के ऑटो में ही बैठ गए जबकि हमारा ऑटो यहाँ पर है। चलो आ जाओ अब तो घुसा, अब पार्क कर ले साथ में मेरे, तो ले जाती है, चल 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 ले जाती, क्या होता है ऑटो वाला थोड़ी चलाएंगे ऐसे। अरे आज तो सच में बहुत ज्यादा थक गए क्योंकि आज पूरा दिन तो हमारा यहाँ बाइक वाले शोरूम में ही निकल गया। सो गाइस होटल पहुंच गए हम लोग, लेकिन पता है घर आने के बाद इतना ज्यादा सर दर्द हो रहा है क्योंकि यार सुबह खाकर ही हम लोग निकले, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मैंने चाय मंगाई, चाय और बिस्किट खाऊंगी, उसके बाद अभी योगेश करेगा खाना ऑर्डर, खाना आने में आधे घंटे लग जाएंगे, तब तक तो भाई पता नहीं क्या होगा। तो मैंने सोचा पहले चाय बिस्किट खा लेती हूँ उसके बाद अपना काम करेंगे। सो गाइस कांग्रेचुलेशन टू मी ना पूरे कमेंट बॉक्स में भर देना क्योंकि अब अवारी मैम के पास उसका खुद का बाइक आ चुका है ना। बट आगे के ब्लॉग में ना मैं कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत ना मैं मोटो ब्लॉगिंग का सूट थोड़ा बहुत निकाल सकूं क्योंकि मैं अभी ज्यादा जानती नहीं ना यार, उतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूं, बट धीरे धीरे सीखूंगी सब। बट आगे के ब्लॉग आप लोग को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, होप्स आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।